गर्भावस्था के सातवें महीने में पेट दर्द कई कारणों से हो सकता है और इसका मुख्य कारण बच्चे की गतिविधि और आपके शरीर में होने वाले बदलाव हो सकते हैं। यह आमतौर पर सामान्य है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। यदि आपको गर्भावस्था के इस समय में पेट दर्द हो रहा है तो निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। बच्चे की गतिविधि, सातवें महीने में बच्चे की बढ़ती हुई गतिविधि आपको महसूस हो सकती है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। बच्चे के पलक और हड्डियों का विकास इस समय में तेजी से होता है, जिससे आपको दर्द महसूस हो सकता है। पेट की मांसपेशियों की विस्तार, बच्चे की बढ़ती हुई आकार के कारण आपकी पेट की मांसपेशियां विस्तार हो सकती हैं, जिससे दर्द हो सकता है। उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था में रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। पाचन समस्याएं, हार्मोनल परिवर्तन और गर्भावस्था के कारण पाचन समस्याएं हो सकती हैं, जो पेट में दर्द का कारण बन सकती हैं। पैथोलॉजिकल कारण, कभी कभी गर्भावस्था में सामान्य बातें होती हैं, जैसे कि बैक पेन और पेट दर्द, लेकिन कभी कभी इसके पीछे अन्य पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। यदि आपको पेट दर्द महसूस हो रहा है और यह गंभीर है, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वे आपकी स्थिति का सही निरीक्षण करेंगे और आपको उचित सलाह देंगे।